टाउन की अभिनेत्रियां अक्सर अपने फिगर और बिकिनी लुक को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। बात चाहे किसी फिल्म की हो या फिर उसमें फिल्माए गए किसी सेक्सी सीन की, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने बिकिनी में जमकर एक्सपोज किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन ने फिल्म एक पहेली लीला में कलरफुल बिकिनी पहनकर काफी लोगों का चैन उड़ा लिया है। फिल्म खामोशियां में सपना पब्बी ने सबको अपने अंदाज से मनमोहित कर दिया है। इसके साथ ही बात चाहे फिल्म दोस्ताना की हो या फिर तशन की, दोनों में प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर के जलवे ग्लैमर का तड़का लगाते हुए नजर आए हैं। बिपाशा को हॉट बिकिनी में देखकर सबने काफी तारीफ की। यही नहीं, बिपाशा जैसा फिगर पाने की चाह रखने वाली लड़कियों को वो डीवीडी के जरिए टिप्स भी देती रहती हैं। कॉकटेल में दीपिका का बोल्ड अंदाज देखकर लड़कियों ने वजन कम करना शुरू कर दिया, जबकि धूम 2 में ऐश्वर्या ने अपने फिगर से अपने फैंस का दिल जीत लिया। इसकी अगली कड़ी धूम 3 में कैटरीना ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। वहीं लारा दत्ता ने फिल्म ब्लू में अपना सेक्सी अंदाज दिखाकर सबका मुंह बंद कर दिया। अनुष्का शर्मा ने अपना बोल्ड अंदाज लेडीज वर्सेस रिकी बहल में दिखाया, जिसके बाद कई लड़कियों के अंदर ये चाह जागी कि वो अनुष्का जैसी दिखें। बॉलीवुड अभिनेत्री व पूर्व विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि बिकिनी पहनकर मंच पर चलना बेहद असहज होता है, और वो खुशकिस्मत है कि वर्ष 2000 में जब वो विश्व सुंदरी बनी थी उस वक्त उस चरण की प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। बिकिनी के बारे में प्रियंका का कहना है, निश्चित रूप से ऊंची हील पहनकर बिकिनी में मंच पर चलना असहज होता है। हमें किसी स्विमिंग पूल या समुद्र तट पर ले चले और वहाँ ये शूट करें तो ठीक है, क्योंकि वहाँ इसके लिए स्वाभाविक वातावरण होता है। मंच पर इसे पहनना बड़ा अजीब लगता है और ये अस्वाभाविक होता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।